सुन चुके हैं उसे दोबारा से रिविजन कर रहे थे। एक श्लोक का कल चिंतन किया था, हे नाथ हे प्रभु, जो जानता है उसे जानने दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा मन मेरी वाणी मेरा शरीर बैठे ना, मैं फर्श पर बैठूंगा ठंडा प्लीज। अरे जी गर्मी होने वाला दे दो। तो मेरा मन मेरी वाणी मेरा शरीर आपके वैभव को नहीं जान सकता। वैभवम तम तब अगोचर, अगोचर गोचर का अर्थ क्या होता है? कल हमने चिंतन किया था, याद है गोचर किसे कहते हैं? इंद्रियों का जहां तक भोग करने की, उसे गोचर। गोचर का मतलब इंद्रियां जहां तक चर सके, जहां तक वह ग्रहण कर सके, जहां तक वह पहुंच सके, जहां लेना देना कर सके, उसे कहते गोचर। अगोचर इंद्रियों से परे। लोग गोचर अगोचर का सिर्फ इतना ही लगाते हैं कि दिखने वाला नहीं दिखने वाला, लेकिन गोचर का केवल ये नहीं,
कान जिसे सुन करके समझ सकते हैं, वाणी जिसे समझ करके बोल सकती है, आँख जिसे देख करके अनुभव कर सकती है, जिह्वा जिसका रस ले सकती है, उसे कहते हैं गोचर। और अगोचर जिसे समझ नहीं सकती, जिसे देख नहीं सकती, जिसका वह अनुभव नहीं कर सकती, उसे कहते हैं अगोचर। क्यों कहा मेरा मन, क्यों कहा मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा शरीर, स्पेशली क्यों कहा मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा शरीर? उसका कारण कि मैं माया की क्रियाओं को कर रहा हूं, माया में हूं, इसलिए आप माया अतीत हैं, मैं आपको समझ नहीं सकता। एक कारण, भक्त आपको जान सकते हैं क्योंकि भक्त को आप जना देते, आप जिसे जना दोगे वही जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने अपने आप को भुला दिया और आप बालक बन करके, बालक हो करके नंद ब्रजोकसा अहोभाग्यम महोभाग्यम नंद ब्रव नंद गोप ब्रजोकसा यन्मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आप अगर चाहें किसी के मित्र बनना, आप अगर चाहें किसी की इंद्रियों के सामने आना, आप अगर चाहें अपनी महिमा को प्रकाशित करना तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जान सकता क्योंकि मेरी आंखों के आगे ऐश्वर्य है, वो माधुर्य के आगे ऐश्वर्य रहता नहीं। आप चाहने पर भी, एक जगह पे एक और बात आई थी, रागा रहा, आप चाहने पर भी अपने आप को प्रस्तुत कर दे सारा का सारा कि मैं सर्वेश्वर, मैं मालिक, मैं प्रभु, मैं कर्ता, मैं धर्ता, मेरा मेरे से सारे ब्रह्मांड हो रहे हैं, आपको भक्त नहीं मानता, तू तो मेरा सगा है, तू मेरा बेटा है। कहते इसीलिए हे कृष्ण, एशाम तु भाग्यम महिमा अच्युत तावत अस्ता एकादशैव हि वयम वत भूरि भाग एतत् धृकीश चकशे रसकृतं पिवाम शर्वादयो अंघ्रय उज्यम उज्यम मध्व अमृत आसवते आसवंती। ये कितनी बड़ी बात कही है। कहते हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही, ये इनका क्या सौभाग्य है ये मैं वर्णन ही नहीं कर पा रहा, वो अलग रही। हम लोग जो कि मन बुद्धि इत्यादि 11 इंद्रियों के अधिपति देव हैं, हम लोग उनकी इंद्रियों को प्याला बनाकर, जो आपके चरण कमलों का अमृत मीठे से भी मीठा है, मदिरा से भी मादक है, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद है, कहते उसको पी करके मतवाले हो जाते हैं, उनकी बात तो क्या कहें। हम एक एक इंद्रियों के अधिपति देव, आप वो जो जितना वो ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं, उनकी बात हम क्या कहें, हम ही इतना मत हो जाते हैं। तो इसलिए हे कृष्ण, उनकी समस्त इंद्रियां अर्थात ब्रजवासियों की समस्त इंद्रियां आपकी सेवन में लगी हैं, आपको सेवन करने में, आपकी सेवा करने में लगी। इसलिए गुरु जी कई बार बोलते थे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राज्यम इंद्रिय सेवन मुखई ये भादो स्वयं स्फूर्त अधा। कहते कि वह स्वयं स्फूर्ति प्राप्त करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर। गुरु कहते नाम से सूक्ष्म रूप, रूप से सूक्ष्म गुण, गुण से सूक्ष्म लीला, लीला से सूक्ष्म धाम, धाम से सूक्ष्म परिकर। भाई परिकर इतने सूक्ष्म कैसे हो गए? कहते परिकर इस जगत में आते हैं और मनुष्यों में भगवान की लीला के अलावा भी, भगवान जब इस जगत में आते उनके साथ आए तो अलग, उनके अलावा भी इस जगत में आकर के
अपने हृदय में भगवत धाम को बना करके भगवान को नृत्य भगवान का रमन करता हुआ वो दर्शन करते हैं, तो वो और भी सूक्ष्म है, मतलब उनको जानना और भी कठिन है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आपके वैभव से बहुत दूर नहीं जान सकता, जो बोलता जान लिया जान जानने दो। तो मतलब ये वाली ऐसी ये श्लोक से ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हो, ठीक है वो कह रहा ना जानता है ठीक है, मतलब जैसे पागल है वो बोल रहा है ब्रह्मा जी एक दृष्टि से ऐसा वो पागल है, पागल क्या नहीं बोलता, छागल क्या नहीं खाते, बोलने दो उसको, मैं नहीं बता सकता ये कहना। अथापि ते देव पदम भुजद्वय प्रसाद लेशान गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नः नाचन्येको अपि चिरं विचिन्वन्। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवन आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है कि उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। देखिए अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भक्तों के हृदय में स्वयं स्फूर्त होने वाले, मतलब भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान को कल्पना करने का प्रयास नहीं करना, जैसे योगी प्रयास करते हैं ना अंगुष्ठ परिमाण नाभि से ऊपर ऐसा अंगूठा मुट्ठी बांध करके अंगूठा जा खत्म होता है, वहाँ पर वो प्रभु का चिंतन करते हैं, वहाँ हृदय होता है और वहाँ वह चिंतन करते हैं परमात्मा का उनके रूप का। कहते किस प्रकार भक्त को कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवान कहते हैं योगी नाम हृदय ना चल, मैं योगियों के हृदय में नहीं, तो भक्तों को ऐसे परिकल्पना नहीं करनी पड़ती। क्यों? आप स्वयं स्फूर्त हो जाते हैं। क्या स्फूर्त होते हैं, कैसे स्फूर्त होते हैं? कहते हैं आपका ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्या भगवान का अज्ञान का स्वरूप भी है? आपका ज्ञान का स्वरूप बोला, आपके ज्ञान का स्वरूप बोलने का मतलब भगवान का अज्ञान का स्वरूप है ही नहीं, एक तो ये है अर्थ, और दूसरा भगवान का जो ज्ञानमय स्वरूप है वो है एकलम ब्रह्म निष्कलम अनंतम, वो ज्ञानमय स्वरूप वो ब्रह्म स्वरूप। महिमा ऐसी ही है और उसकी महिमा ऐसी ही है कि अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है, अज्ञान के द्वारा कल्पित जगत का नाश। अज्ञान के द्वारा कल्पित जगत कौन सा होता है? बिल्डिंग, शरीर। अज्ञान के द्वारा कल्पित, कल्पना में आया हुआ मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पिता, ये संबंध जितना है यह है जगत। जगत पंच तत्वों को जगत नहीं कहते, पंच तत्वों से निर्मित ये जगत जिसके द्वारा धारण, मतलब जिसके द्वारा धारण किया हुआ उसके रहने से ही जगत जगत है, परंतु उसी ने कल्पना की कि मैं ये हूँ, इससे संबंध में जो है वो मेरे हैं, ये जो कल्पित जगत है आत्मा के द्वारा कल्पित जगत, ब्रह्मा के द्वारा कल्पित जगत, तो अज्ञान के द्वारा कल्पित हुआ उसका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं। ब्रह्मा द्वारा, जब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ का दर्शन किया भगवान की कृपा से और उसको देख करके उन्होंने उनके जैसे छाया जगत बनाया, उनके जैसा एक अनित्य जगत बनाया,
उसे उसे कहते हैं ब्रह्मा ने की कल्पना, वो ऐसा है बन गया, मन से कल्पना करके सृष्टि की ब्रह्मा ने शुरू में, तो वह भी कल्पित जगत है। जो माया के द्वारा निर्मित जगत है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, शरीर ही नहीं, शरीर संबंधी व्यक्ति ही नहीं, पूरे को पूरे ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों के प्रति एक दूसरे का रिलेशनशिप संबंध, वो सारे का सारा अज्ञान जनित है, अंधकार और अज्ञान इन दोनों से बना हुआ जो जगत है, वो किसके द्वारा कल्पित है? ब्रह्मा के द्वारा भी कल्पित है और जीव के द्वारा भी कल्पित है। जीव ने अपना छोटा जगत बनाया, ब्रह्मा ने बड़ा जगत बनाया, दोनों नाशवान। वो टिप्पणी सुनने बैठे नहीं, मैंने कहा कहीं कुछ गलत हो तो बोल सकते, मंथन मंथन करते ना हम लोग अक्सर। कहते फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्राप्त प्रसाद प्राप्त करता कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। पहले देखिए बोला ज्ञान स्वरूप महिमा, फिर दूसरी बार में बोला सच्चिदानंदमयी महिमा। ज्ञान स्वरूप महिमा का मतलब ब्रह्म के जो शक्तियां हैं, ब्रह्म के द्वारा जो भी निर्मित हुआ है, जिससे निर्मित हुआ, जिसमें है, जिसमें आखिर में लय हो जाएगा, वह ब्रह्म स्वरूप की महिमा ही ऐसी है। केवल मात्र जो ब्रह्म को जान ले, इतने जानने मात्र से उसका संसार नाश हो जाता है। ब्रह्म को जो जानती, जब ब्रह्म जानाती थी, क्या वो ब्रह्म जानाती, ब्रह्ममय भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात ज्ञान को जानने के बाद, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को जानने के बाद में व्यक्ति अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है, नहीं ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात ज्ञानमय हो जाता है। केवल मात्र ज्ञान स्वरूप की महिमा, ध्यान देना, ज्ञान स्वरूप की महिमा महिमा से ही अज्ञान जन कल्पित जगत नाश हो जाता है। फिर कहते हैं फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्राप्त प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य, अब देखिए वो जो पहले कहा उसको पुष्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई भी ज्ञान और वैराग्य साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान कर ले, वे आपकी महिमा का यथार्थ, अंडरलाइन यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त करते। यथार्थ मतलब यथा अर्थ, जैसा उसका है स्थान, जैसी वो स्थिति है, जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका अर्थ है, वैसा नहीं जान सकता। एज इट इज उसको कहते हैं, यथार्थ का मतलब जैसे हैं वैसे नहीं जान सकता। जितना भी अनुसंधान कर ले वैराग्य से, ज्ञान से, वैराग्य और ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का होगा, ब्रह्म के द्वारा उसके अंदर जो है केवल जगत नाश होगा। कृपा प्रसाद, अब आता है कृपा प्रसाद, बड़ी सुंदर बात, यहाँ बड़े सुंदर शब्द ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकले हैं, ध्यान देना। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता, युगल चरण कौन है, कौन है, राधा कृष्ण, कौन है युगल चरण, युगल चरण भगवान के युगल चरण कौन है, गुरुदेव, नमः ओम विष्णु पाद। इसका मतलब ये है कि जो पुरुष ब्रह्म को जानने वाला जो व्यक्ति है, उसका जगत
कल्पित अज्ञान जगन कल्प नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद, अंडरलाइन कृपा प्रसाद वहां बरस रहा है, तो बरसाने वाला वो तत्व है, बरसाने वाला वो व्यक्तित्व है। तो युगल चरण कमल बोलने का मतलब है भगवान के चरण कमल भक्त ही है, विशेष रूप से गुरुदेव ही। क्यों कहा जी युगल चरण गुरुदेव को, चरणों की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि भगवान चरण कमलों के द्वारा ही जीव के नजदीक आए। भगवान ने कहीं जाना होगा तो चरण कमलों से ही चल के आए। तो गुरुदेव ही भगवान का प्रतिभु मूर्ति है, गुरुदेव ही भगवान की प्रतिनिधि मूर्ति है, जिसके कारण वो जब जीव के पास आते हैं तो उनकी हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है, अर्थात भगवान को लेकर के आ रहे हैं। वो चरण कमल गुरुदेव जो भगवान को लेकर हमारे तक आ रहे हैं, इसलिए उनकी कृपा का प्रसाद जो प्राप्त कर ले उससे अनुग्रहित हो जाता है, मतलब कृपा प्राप्त कर लेता है और उससे अनुग्रहित हो जाता है। अनुग्रहित क्या होता है? अनुग्रहित का अनुग्रह प्राप्त करता है, अनुग्रह प्राप्त कर उसमें अनुग्रहित होता है, अनुग्रह शब्द का जिस पर अनुग्रह कृपा, कृपा तो पहले आ गया ना, यहाँ पे कृपा प्रसाद की बात है, अहेतु की कृपा की बात अलग है। अहेतु की होता है हमारी तो योग्यता नहीं है, हम किसी भी तरीके से गुरुदेव के पास में खड़े होने के योग्य भी नहीं थे, क्योंकि हृदय में कपटता भरी हुई, भीतर से आचरण जो है पूर्ण शुद्ध नहीं, और गुरुदेव के सामने हम खड़े हैं, गुरुदेव हमसे सेवा ले रहे हैं, ये है अहेतु की कृपा। हम किसी भी तरीके से उनके पास में रहने योग्य नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ये है अहेतु की कृपा, इसे अहेतु की कृपा। लेकिन यहाँ पर अगली लाइन आ रही है, अनुग्रहित, उससे अनुग्रहित हो जाता है, अर्थात जिसे कृपा ग्रहण कर ले उसको स्वीकार कर ले। अनुग्रह का मतलब है कृपा करके स्वीकार कर लेना किसी जीव को, वो कृपा ही है मगर उसे स्वीकार कर लेना वो अनुग्रह, उनको स्वीकार कर लेते हैं, मतलब उससे अनुग्रहित हो जाते हैं भगवान के चरण कमलों की कृपा प्रसाद से, उनके द्वारा अनुग्रहित हो जाते हैं, उनके द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। वही आपके सच्चिदानंदमय महिमा का तत्व जान सकता है। वो किसका, किस महिमा का तत्व जानेगा? किसका? सच्चिदानंदमय। अब यहां केवल ज्ञान नहीं रहा, यहां सत साक्षात बलदेव विलास मूर्ति, चिद साक्षात श्री कृष्ण, आनंद साक्षात श्री राधा, यहाँ पे अनंत वैकुंठों के स्रोत बलदेव जी, यहाँ तक कि गोलोक का पूर्ण स्रोत बलदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण और राधा, मतलब उस सच्चिदानंद तत्व के महिमा को जान सकता है। कितना जान सकता है? ये जितना आप जना दें, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ तक कि एक बार गीता में भगवान ने एक जगह कहा, अर्जुन मैं तुझे क्या बोलूं, मतलब भगवान में मैं तो ऐसा समझता हूँ, गलत हूँ तो हम लोग मंथन कर सकते हैं, महाराज बोल सकते हैं, भगवान भी अपनी महिमा को बोल नहीं पा रहे, अपनी विभूति के बारे में नहीं बोल पा रहे, मतलब क्या बोलूं अर्जुन, जो तू देख रहा है ना बस इतना ही समझ ले, जो कुछ भी देख रहा है चराचर में जितना भी तेरे को समझ में आ रहा है वो सारा एक अंश ही स्थित, एक अंश मात्र है, बाकी तीन पाद तो अलग हैं, वो तो तीन पाद मेरी भूमि है वो यहां है ही नहीं, उसको समझ ही नहीं सकते। तो तीन पाद भूमि जो भगवान भूमि, सॉरी भूमि कह रहा हूं, तीन पाद जो विभूति है भगवान की वो गोलोक की है, वैकुंठों की है। तो इसलिए
एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप डेली न्यूज पेपर निकाल रहे हैं, साप्ताहिक निकाल लें, पाक्षिक निकाल लें, मासिक निकाल लें, द्विमासिक और त्रैमासिक पत्रिकाएं इतनी निकाल लें, उसके बाद में आप हर साल ग्रंथ नए 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 प्रकाशन कर रहे हैं, इतना मेटीरियल कहाँ से लाते हो? आनंद बाजार पत्रिका के मालिक ने पूछा, नाम मेरे को याद नहीं, मेरे को याद होता। तो उन्होंने जब ऐसा पूछा, बंकिम चटर्जी ऐसा कुछ पता, तो उन्होंने जब पूछा, प्रभुपाद जी ने बोला आप लोग तो हर रोज न्यूज पेपर निकालते हो, कहाँ से लाते हो? समाज में इतनी है खबर। कहते ये भगवान इस चराचर त्रिलोक जो है ये भगवान का केवल एक अंश, एक पात है, और त्रिपात तो तीन अंश तो बाकी है, हम उधर से लेके आते हैं, वहाँ की वहाँ का समाचार देते हैं। तो ये बात, इसलिए वो तो प्रकट हुआ है भगवान से डायरेक्ट बलदेव जी से, तो ये वो विनाश होता है जो प्रलय हो जाता, महाप्रलय हो जाता, देखो दो चीजें हैं, मैं जैसे हाथ करूंगा उस हाथ को देख के समझ, ये है उत्तर, ठीक, ये है दक्षिण। उत्तर दिशा जो है उस उत्तर दिशा की तरफ ब्रह्मलोक, वैकुंठ इत्यादि 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 अनंत वैकुंठ और गोलोक है, वो पूरे का पूरा गोलोक जो शब्द प्रयोग किया है, गो का मतलब होता है आत्मा, गो का मतलब गाय, गो का मतलब द्युति प्रकाश, जो प्रकाशमय आलोक प्रकाशमय लोक है वो सारे का सारा नॉर्थ में, इसलिए हम लोग जो संध्या वंदन शाम के समय करते हैं उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, तो वो पूरे का पूरा उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, सबसे ज्यादा आकर्षणशील है, पृथ्वी को आकर्षण करके उधर से ही रखा है, और इधर से दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी जो दक्षिण का मार्ग है वो पूरे का पूरा अंधकार है। इसके बीच की जो जगह है, इन दोनों के मिलन की जगह, उसे बोलते हैं तटस्थ, जहाँ पे जीवात्माएं प्रकट होती है। ध्यान देना आपके प्रश्न का, मैं बड़े गंभीरता से उत्तर दे रहा हूँ। तो जो बीच वाला जो पार्ट है वही पार्ट नष्ट नहीं होता, जीव तत्व आत्म तत्व वही नष्ट नहीं होता, तो जो चेतन जगत है उसमें नष्ट होने की तो बात ही नहीं। नष्ट वो होता है जो बनता है, नष्ट वो होता है जो बनता है। प्रकाश सूरज से प्रकट होता है, प्रकाश बनता नहीं है, लेकिन सूरज की, ध्यान देना, सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के ऊपर बनी हुई जो तारे हैं उनसे रिजर्व हुआ जो बैटरी के अंदर लाइट है वो भी सूरज की ही है, परंतु वो नष्ट हो जाएगी क्योंकि वो बनी है, विकारी है, विकार प्राप्त होकर के आई है, समझ लगे? इसी प्रकार से भगवान की ही शक्ति जब अंधकार में विकार प्राप्त करके, भगवान की ही दृष्टि द्वारा शुद्ध हो करके जब कोई क्रिया करती है तो वो क्रिया होती है, वो क्रिया उनके बाद में हुई है, वो रोशनी सूरज की नहीं है, सूरज की रोशनी के बाद बनी है वो, तो जो बनी है वो नष्ट होगी, लेकिन जो बनी नहीं है, जो नित्य है, जो प्रकट है, जो एक साथ में ही है, उसका जितना वैभव है वो सारे का सारा नित्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं। इसीलिए भगवान के जितने अवतार हैं वो सारे इसके सारे अवतार नित्य हैं, कोई ऐसा नहीं कि नरसिंह देव जो है हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था इसलिए नरसिंह देव ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो स्तुति करते हैं नरसिंहम आदिम, आदि नरसिंह की स्तुति करते हैं,
नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्य, अर्थात आदि समय में शुरुआत में कृष्ण ने कहा एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो बहु रूपों में हुए। उसमें एक रूप भगवान का ना नर का है ना वो पशु का है, वो नरसिंह रूप, उसमें से एक ऐसा है। तो वो सारे के सारे नित्य हैं, सारे वैकुंठ नित्य हैं, इसलिए नित्य हैं क्योंकि वह नित्य तत्व से बने हैं, इसलिए नित्य हैं क्योंकि वह आत्मा से निर्मित हैं। यहाँ पे जो कुछ है वो पंच तत्वों से अनात्मा से निर्मित है, आत्मा नहीं है, अनात्मा से निर्मित होने के नाते वह तत्व नष्ट होगा। जो आत्मा नष्ट नहीं होती तो आत्मा से बना हुआ तत्व कैसे नष्ट हो सकता है, समझ लें। वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वो, एक तत्व दूसरे में, दूसरा तत्व तीसरे में, तीसरा तत्व चौथे में पहुंच करके अंतिम में पंचम में जा करके वो महातत्व में लीन हो जाता है। तो ऐसे होता है, जैसे निकलता है वैसे चला जाता है। कई लोग हमने मठ में जब नए नए आए थे तब सुना था कि पांच तत्व नष्ट नहीं होते, लेकिन पंच तत्वों का निर्माण कैसे होता है उससे पता लगता है पांच तत्व वैसे ही विलीन होते, महातत्वों में विलीन होते। कैसे होते? आकाश, आकाश में जब शब्द गुंजायमान हुआ, किसका शब्द? भगवान का। जब वो शब्द गुंजायमान हुआ तो वो आकाश तत्व जो है विचलित हुआ, मतलब वो हिला। किसके कारण से हिला? अनंत आत्माओं का फोर्स, अनंत आत्माओं की गति से। जानते हो कितनी तेज है आत्मा की गति, आत्मा कितनी तेज चलती है मालूम है ना? आत्मा की ऐसे गति, आत्मा की गति जो है मन की गति से लाख गुना ज्यादा। शरीर से निकल के पता लगने की बात नहीं, वैसे आत्मा की जो गति है वो आत्मा की गति, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आत्माओं का प्रवेश भगवान की इच्छा से, गर्भ दिशा विष्णु की इच्छा से जब संसार में माया की तरफ होता है तो माया सुप्त रूप रूप में रहती है। वहां बड़ा ही सुंदर शब्द दिया था वो, हाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ अलग है, वो कहना चाह रहा हूँ उससे सुनो, वो ये है कि आत्मा की फोर्स जो है, एक आत्मा की नहीं अनंत आत्माओं की फोर्स, उसकी गति जब आकाश में हुई तो आकाश में कंपन हुआ, कंपन होने से हवा बनी, आकाश में कंपन, कंपन से हवा कैसे हुई ध्यान देना। आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण क्या और वह शब्द की गति के कारण कंपन हुई, कंपन से हवा बनी। क्या शब्द से हवा बनती है? आप देखना बड़ा स्पीकर होगा ना, उसके पास खड़े होना, तो अंदर से अब जब आवाज आती है धुम धुम तो पूरा हिलाता है, ठीक है, वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन आकाश में होने से और गति तेज होती है, तो वहां से हवा, आकाश से हवा, हवा जैसी बनी सात सात अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईथर शब्द का मतलब होता है स्पिरिट और ईथर को आकाश कहते हैं। तो अंतरिक्ष जो है वो बहुत तरह की गैसों का एक समूह है, उसके अंदर हवा का प्रवेश होते ही अग्नि प्रज्वलित हुई, और अग्नि प्रज्वलित होने से, हवा का रहने से, आकाश का रहने से, इन तीनों तत्वों का एक साथ मिश्रण होने से जल बना, H2O का फॉर्मूला। और जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनके अंदर जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का घनिष्ठ घनत्व हुआ तब जाकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये पांच तत्व से निर्मित जितना ब्रह्मांड है वो पूरे का पूरा ब्रह्मांड वैसे ही नष्ट होता है, वैसे ही खत्म होता है जैसे वो बना होता है। जैसे जैसे आत्मा एक तत्व को छोड़ती है वो दूसरे में विलीन हो जाता है, जैसे ही पृथ्वी गंध को छोड़ देगी तो जल जल बन जाएगा,
जैसे ही जल रस को छोड़ देगा तो अग्नि बन जाएगा। कभी देखा है जल अग्नि बनते हुए? आकाश में उड़ता वाष्प होता है, उसके ऊपर जाता चला जाता है तो अग्नि तत्व विलीन हो जाता है, और जब उसको फिर दोबारा से ठंडक मिलती फिर दोबारा से वो इस तरह से, तो एक दूसरे तत्वों के साथ विलीन। पानी से अग्नि नहीं, अग्नि से पानी, उल्टा है, अग्नि से जल होता है, जल से अग्नि नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भगवान को वही जान सकता है जो भगवान के चरण कमलों में अर्थात भक्त के चरण कमलों का, विशेष रूप से सद्गुरु जो भगवान से अभिन्न है, जो हमारे गुरुदेव थे, ऐसे महापुरुष ऐसे गुरुदेव उनके चरण कमलों का अनुग्रहित उनके द्वारा कृपा प्राप्त करता है, वही भगवान की सच्चिदानंदमय महिमा का तत्व जान सकता है।